एक आई जैसी महाकाल के शो आप सब तो आज हम बनाने वाले है बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज डिज़ाइन जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग में आपको पूरी बताने वाली हूँ पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ तो सबसे पहले आपको करना है मेन फैब्रिक पे मेन फैब्रिक को साइड में रख देना अस्तर को ले लेना है तो मैं यहाँ पर अस्तर पर कट करने वाली हूँ सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रख रखी है कमर तो कमर अपने अकॉर्डिंग रख लेना है मैंने यहाँ पर साढ़े दस इंच रखी है दस पॉइंट फाइव इंच तो आपको कमर साढ़े दस एन लंबाई मेरी है कुछ भी साढ़े चौदह साढ़े तेरह लम्बे रखने उसका एक इंच एक्स्ट्रा साढ़े चौदह इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो मैंने यहाँ पे साढ़े चौदह इंच रखी है साढ़े चौदह इंच पे मार्क कर लेना आपको उसके बाद आते हैं गले पे तो गले पे मैंने यहाँ पर घरे ली है ढाई इंच गई तो आपको एक ढाई इंच पे मार्क कर लेना है उसके बाद यहाँ पे साढ़े तीन या तीन इंच मार्क करना है जितनी भी आप जितना भी आ, मतलब आपको कंधा चाहिए उसके बाद आपको शोल्डर लेना है तो यहाँ पे मैंने छः इंच शोल्डर ले लिया है शोल्डर को इस तरह से मिला लिया है मैंने शोल्डर को सीधे मिलाते हुए उस पे हल्की से आपको गोले दे देनी है गैस और उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंच पे मार्क करके हल्का सा शेप दे देना है ये मैंने यहाँ पे एक इंच पे मार्क कर दिया उसके बाद हल्का सा इस तरह से शेप दे दिया है तो ये हो गया हमारा आगे का उसके बाद आते हैं गले पे तो गले की गहरे जितनी भी आपको लेनी है उसके हिसाब से यहाँ पे लेना है तो मैंने यहाँ पे छः इंच रखी है गाइस तो आपको एक छः इंच पे निशान कर देना है यहाँ पे मैंने छः इंच पे निशान मेरे को गले की लंबे छः इंच आपको सात इंच सात पे कर सकते हो छः चाहिए छः आपको जितना भी नेक चाहिए उसके हिसाब से तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वी शेप दे दी दिया आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको पूरा त्रिकोण नहीं करना हल्का सा गोले में लाना है गाइस तो ये तो हमारा हो गया इसको अब हम कर लेते हैं कट तो देखो फाइनली लुक कुछ इस तरह से आया हमारा कट हो गया है और चूंकि मैं हाई हुक आगे करने वाली बट मैं अभी यहाँ पे कट नहीं करने वाली उसका मतलब कंप्लीट होने के मैं बाद में करूंगी तो ये तो हमारी हो गई कटिंग अब आती है मेन बात कॉलर की कॉलर के लिए मैंने एक यहाँ पर कपड़ा ले लिया है सॉरी कपड़ा नहीं एक पेपर ले लेना ले आपको कुछ भी क्योंकि कपड़े पे करोगे तो कुछ गलत वलत हो जाएगा और हमारा कपड़ा ऐसे ही वेस्ट जाएगा इससे अच्छा तो आप एक पेपर लो तो पेपर पर पे मैंने कुछ इस तरह से नेक रख दिया है आप देख सकते हो नेक पर कुछ इस तरह से निशान कर लेना है आपको तो यहाँ पर मैंने नेक पर निशान कर लिया गई तो हमारा आगे का फ्रंट तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कट गया है उसके बाद आता है मेन चीज़ कोलर पे तो हम यहाँ पे कॉलर वाले डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो आपको कॉलर कर, कट करने के लिए सबसे पहले एक पेपर पे कट कर लेना है तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है और पेपर को कुछ इस तरह से रख लिया आप देख सकते हो कॉलर को इस तरह से रख दिया उस पर एक निशान लगा लगा देना आपको गले के साइज़ का तो यहाँ पे मैंने निशान लगा उसके बाद यहाँ पे दो दो इंच पे आपको मार्क करना है गोले में तो मैं यहाँ पे करने वाली दो दो इंच पे मार्क गोले में वो भी गोले में मार्क करने के बाद आपको अपने तरीके से कुछ भी शेप दे देना है गोले में आपको जिस टाइप का शेप चाहिए गाइस उस तरह से आप दे सकते हो हल्का सा मोटा पतला आपको ऊपर से चौड़ा बनाना है नीचे से चौड़ा बनाना उसके हिसाब से बट मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक दिया है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कुछ भी चांद जैसा हल्का सा इस टाइप से सेप दिया मैंने तो इस तरह से सेप देने के बाद आपको यहाँ पे इसको कर लेना है कट। तो यहाँ पे हमारे कॉलर हो चुकी है और कॉलर को मैंने यहाँ पे नेक पे रख के देख लिया कुछ इस तरह से देख सकते हो आप सही से लुक आया कि नहीं आया तो कुछ जिस तरह से हमारा लुक आने वाला है कॉलर का आप चाहो तो यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हो कॉलर का अब इसको तो रख देते साइड में अब आते हैं स्लीव की डिज़ाइन तो स्लीव हम कट करने वाले हैं अब तो स्लीव को जिस तरह से हमने को बिछा लेना है उसके बाद आपको जितनी भी लंबे लेनी है उसका एक इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मैंने यहाँ पर नौ इंच लेनी है मेरे को इस दिन उसका एक इंच मैंने दस इंच ले लिया है तो यहाँ पर दस इंच पर निशान लगा लिया है उसके बाद को जिस तरह से मैंने गोले में शेप दे दिया है सेप देने के बाद आपको मेरे को यहाँ पे पफ उठाना था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ढाई इंच पे मार्क किया है और सेंटर से मैंने तीन इंच इधर और तीन इंच इस साइड मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और कुछ इस तरह से आपको मिला लेना है मिलने के बाद बट आपको मैं कैस में एक बात बताना चाहती हूँ अगर जो जा आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप यहाँ पे चार इंच पे मार्क सकते हो जो मैंने ढाई इंच पे मार्क लिया है ना ये आप चार इंच तक भी ले सकते हो आपका कम पफ चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा कम ले जाइए वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो पफ के साथ उसके बाद आते हैं स्लीव डिज़ाइन पर तो स्लीव डिजाइन पर मैंने यहाँ पे सेंटर में निशान कर दिया और ऊपर से साढ़े तीन इंच पे मार्क कर दिया है नीचे से चार इंच होगा यहाँ पे आपके हिसाब से आप गहरी दे सकते हो जितना आपको त्रिकोण चाहिए उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नीचे से चार इंच पे मार्क कर दिया है और कुछ इस तरह से शेप दे दिया है तो ये हमारा शेप कुछ इस तरह से आ रहा है इसके बाद इसको कर लेना कट तो ये हमारा आस्तीन का लुक हो चुकी है और आपको यहाँ पे छोटे छोटे गेदर्स डाल देना ताकि हमारा पप उड़ सके तो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सारे भाग को मेन फेब्रिक पे कट कर लेना उसके बाद आते हैं स्टिचिंग की तरफ तो स्टिचिंग पे करने के लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट भाग को ले लिया फ्रंट बाग को मैंने मेन फेब्रिक्स बिछा लिया उसके बाद मैंने यहाँ पे अस्तर बिछा लिया तो यहाँ पे मैंने अस्तर और दोनों ले लिया उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दो गले में सिलाई करनी है तो यहाँ पे मैंने चारों ओर से सिलाई करनी है मेरे को पूरे राउंड में जो कि मैं हाई हुक आगे करने वाली हूँ बट आई हुक मैं बाद में करने वाली हूँ बाद में कट करूँगी इसलिए आपको यहाँ पर पहले कट सिलाई कर लेना है फोल्ड करने के लिए तो ये हमारी सिलई हो गई है उसके बाद आपको कर लेने हैं यहाँ पर छोटे 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 कट जो कि सिलाई के इस पार होने चाहिए गाय सिलाई के उस पार नहीं होने चाहिए वो भी थोड़ी थोड़ी दूर में ताकि कट लगाने से क्या होगा कि हमारा फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी एंड लुक भी बहुत अच्छे से आएगा मतलब बहुत ही फिनिशिंग के साथ उलट जाएगा हमारा गला तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे कट कर लेने हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फैब्रिक को उलट देना है तो यहाँ पे हमको उलटने में बहुत ही आसानी होगी तो कुछ इस तरह से आपको उलट देना है तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है आप देख सकते हो उसके बाद आपको इस भाग में सिलाई कर लेनी है नेक में क्योंकि मेरे को यहाँ पे हुक पट्टी आगे करनी है मेरे को हुक आगे लगाने इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया है दोनों को बराबर में पीछे ले और सेंटर में से इसको कर लेते हैं कट तो यहाँ पर आपको सेंटर में कट कर लेना है सेंटर में कट करने के बाद मेरे को यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाना है गाइस तो प्रिंसेस कट कर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऊपर से ग्यारह इंच पे मार्क करना पड़ेगा आपको तो ऊपर से मैंने यहाँ पे ग्यारह इंच पे मार्क कर दिया है एंड नीचे से कुछ चार इंच के आसपास चार साढ़े चार इंच आसपास कर लिया कट निशान लगा लिया तो और फ्रंट से आपको लेना है कुछ भी ढाई से तीन इंच पे मार कर इस आप ढाई भी ले सकते हो तीन इंच पे मार सकते हो और कुछ इस तरह से आपको गोले में शेप दे देना है सेट देने के बाद आपको यहाँ आप पे आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो जो गोले में काटा उसका कट भी कर सकते हो बट आप चाहो तो यहाँ पे ओनली सिलाई भी कर सकते हो सिलाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने सेंटर में लिया ना उसके आधा आधा इंच दोनों साइड आपको निशान लेगा लगा लेना उसके बाद आपको यहाँ से सिलाई करनी है ताकि नीचे का भाग जो है ना वो मतलब सिले में आ जाए सिले एरिया में आना चाहिए मतलब इस टाइप से तो सेम इसी टाइप से आपको दूसरे फेब्रिक को भी कट कर ले दूसरे फेब्रिक पर भी निशान करके उस पर भी एक प्रिंसेस कट बना लेना है और सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताती हूँ प्रिंसेस कट करने का जो मैंने निशान किया है ना उसके बाद उसके ऊपर आप एक सिलाई कर दो तो फिर उसके बाद ना प्रिंसेस कट करने में बहुत ही आसानी होगी मतलब बहुत फिनिशिंग से आएगा और आपके नए इस दल आएँगे मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने पूरे पर सिलाई कर ली है उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई करने वाली हूँ अंदर से यहाँ पर प्रिंसेस कट बना लेने तो यहाँ से आपको सबसे पहले प्रिंसेट कट प्रिंसेस कट कर लेना है उसके बाद आपको हाईवक लगा लेना है हाईक पट्टी तो यहाँ पे मैं हाईवुक पट्टी लगा रही हूँ तो यहाँ पे हमारा हाईवुक पट्टी तो रेडी हो चुका है उसके बाद आता है हम कॉलर कट पे तो कॉलर कट का मैंने यहाँ पे आपको पहले पेपर पे कट कर करके वो बताई थी बट अब हाँ आपको यहाँ पे फेब्रिक पे कट करना है मैंने पेपर पे इसीलिए कट किया था गाइस कि मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो मतलब अगर जो थोड़ा भी अगर जो इधर से उधर चला गया तो हमारा कपड़ा वेस्ट चला जाएगा और बहुत क्या किसी में बहुत ज़्यादा ही कपड़ा कम आता है और बहुत बो सारे बोलते हैं कम कपड़े में हम अच्छी से अच्छी डिज़ाइन कैसे बनाएं तो आप कुछ भी ऐसा कुछ ट्राई करो न्यू तो पहले पेपर पे कट कर लेना तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है तो अस्तर को अस्तर के ऊपर मैंने यहाँ पे जो कॉलर कट की थी वो मैंने यहाँ पे रख लिए उस पर चारों मैंने निशान कर लिया है यहाँ पे चारों इंच आपको निशान कर लेना है उसके बाद कट करो उसके पहले आपको कुछ भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है तो कि हमारा ये भाग सिलाई में जाने वाला है सिलाई में जाने वाला है तो यहाँ पे मैंने आधा आधा इंच मतलब दूर से काट रखा है अस्तर पे कट करने के बाद आपको यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कट करने वाला कट कर, कर लेना है तो मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट कर, कर लिया है तो मेन फेबरी पे कट करने के बाद मैंने कुछ दोनों भाग को दोनों कलर को कुछ इस तरह से रख लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे अस्तर को रख लिया है मैं यहाँ पे कैनवास का यूज़ नहीं कर रही हूँ बट आप चाहो तो यहाँ पे कैनवास का यूज़ कर सकते और कॉलर बना रहे हो तो अवश्य करना क्योंकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आता है उसके बाद आपको ये जो बाहर का एरिया दिख रहा, रहा है ओनली यहाँ बाहर का इस पर आपको सिलाई करनी है और इस भाग को छोड़ देना है तो इस बाग पे हम सिलाई करते हैं और सिले के बनने के बाद सिले की इस पार छोटे 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 कट लगा लेने आपको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आपको छोटे छोटे कट लगाने ताकि उलटने में आसानी और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ उलट जाए अपना कपड़ा तो देखो हमारा यहाँ कुछ इस तरह से उलट लिया मैंने उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हो सेम इसी तरह से आपको दूसरी कॉलर भी रेडी कर लेनी है तो ये हमारा हो गया कॉलर रेडी उसके बाद हम यहाँ पे फैब्रिक पे लगाने वाले तो फैब्रिक को मैंने कुछ इस तरह से फ्रंट भाग को ले लिया एंड कॉलर को भी ले लिया है अब कॉलर को हमको कैसे क्या रखना है तो यहाँ पे आप फैब्रिक को ले लीजिए पहले सबसे पहले फ्रंट भाग को ले लीजिए उसको उल्टा कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे कॉलर को भी उल्टा कर लीजिए आप ध्यान रखना फे, मैंने मेन फैब्रिक को भी फ्रंट को भी उल्टा कर लिया है एंड कॉलर को भी उल्टा रख लिया है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एंड जो चूँकि जो हमारी हाई पट्टी है तो हाई पट्टी आपको हाई का छोड़ के लेना है हाई पट्टी जो भी थी ना उसको छोड़ के लेना है इस तो यहाँ पे मैंने हाई पट्टी को छोड़ दिया उसके बाद कुछ जिस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई कर देनी है कॉलर में क्या होता है कि सबसे मेन मतलब कॉलर लगाने का कट करने का सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही होता है गाइस तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कॉलर कट करने में कि हाई पट्टी से थोड़ा हाई पट्टी जब वहाँ जहाँ पर ख़त्म होती ना वहाँ से सिलाई स्टार्ट करो तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे एरिया में आपको छोटे छोटे कट कर लेने ताकि आपको उलटोगे ना तो बहुत अच्छे से उलट जाएगा आप जहाँ पे भी कभी ऐसा कुछ उलटने जैसा हो अंदर फोल्ड करने जैसा हो तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे कट लगा लेने चाहिए ताकि ना फिनिशिंग के साथ अच्छे से उलट जाए और आसानी भी हो और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है गाइस मैंने एक्स्ट्रा फेब्रिक को काट दिया है इन छोटे छोटे कट करने के बाद मैंने यहाँ पे उलट दिया है देखो कुछ इस तरह से हमारा बन गया है ये उलटने के बाद आपको इस एरिया में एक सिलाई कर देनी है सेम इसी तरह से आप दूसरा भाग भी रेडी कर लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों भाग रेडी हो चुके हैं और लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी कूलर रेडी हो चुकी है गैस ये हमारा कूलर रेडी हो चुका है बट गैस आप मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे कूलर बनाए हैं आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हो इस भाग में एन नीचे वाले भाग में भी आप लेस से डेकोरेट कर सकते हो सिंगोड़े वाली लेस लगा सकते हो पाइपिंग लगा सकते हो कंट्रास्ट में ताकि उसका है ना फिनिशिंग मतलब लुक बहुत ही अच्छे से एंड हटके लगे एंड आप कंट्रास्ट में ब्लाउज जैसे आपकी साड़ी कंट्रास्ट में ब्लाउज आए सा आपकी साड़ी ऊपर तो उसके ऊपर तो आप अवश्य ही लगाना तो बहुत ही अच्छे तो से आएगा तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अल्टर कर लेना है तो यहाँ पर आपको एक सिलाई कर लेनी है दोनों भाग में और आपको यहाँ पर अल्टर कर लेना है तो मैंने यहाँ पे अल्टर कर लिया उसके बाद मैंने कुछ लुक लाने के लिए कंट्रास्ट मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा लिया आप चाहो तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हो पाइपिंग लगा सकते हो उसके बाद आते हैं ऊपर की तरह तो ऊपर की तरह आपको क्या करना है कि जो भी आपने ये एक्स्ट्रा काटा था ना जो भी भाग आपने दो या ढाई इंच यहाँ पर आपको छोटे छोटे गेदर्स डाल देने चार से पाँच आपको गेदर्स डाल देने और गेदर्स डालने के बाद आप एक बार सिलाई कर लीजिए ताकि मतलब आप स्लीव लगाओ ना उसमें गेदर्स से इधर से उधर ना हो तो देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारा पफ बन चुका है नॉर्मल पफ बहुत ही प्यारा से बहुत ही अच्छे से बना है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव जोड़ लेना है तो स्लीव जोड़ो उसके उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको स्लीव जोड़ो या फिर कुछ भी डिज़ाइनिंग वाली तो आप फ्रंट से इस सेंटर से स्टार्ट करना का तो हमारा जो भी पफ है ना है, ये लुक पफ का लुक इधर से उधर ना आए बीच में फ्रंट में सेंटर पर ही आए तो सबसे पहले आपको सेंटर पर सिलाई कर लेनी है उसके बाद आपको दोनों साइड से स्लीव जोड़ लेनी है तो उसी तरह से आपको दोनों स्लीव यहाँ पे रेडी कर लेनी है और स्लीव का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से हमारा लुक आ रहा है बहुत ही अच्छे से आ रहा है बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाइस तो आपको यहाँ पे दोनों स्लीव रेडी कर लेनी है उसके बाद आप करते इसकी जल्दी जल्दी फिटिंग और इसका देखते फाइनल लुक कि कैसा क्या आ रहा है तो गाइस फाइनली ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है और लुक कुछ इस तरह से आ रहा आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा लुक है मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल भी लगा बहुत ही प्यारा लगा तो कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है आप देख सकते हो बट गाइस मैंने यहाँ पे गलती कर दी आप वो गलती मत करना मैंने यहाँ पे पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगा इसमें बट आप चाहो तो इस कॉर्नर पे इस पर पूरे पे कंट्रास्ट पाइपिंग लगाओगे okay, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा मेरे पास टाइम नहीं था बट आप अगर जो करो तो कंट्रास्ट में पाइपिंग जरूर लगाना या फिर लेस वेस डेकोरेट कुछ भी कर सकते हो एंड स्लीव का डिजाइन कुछ इस तरह से आया है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सोपर गाइस डेली वेयर के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा आया है तो आपको कैसे लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना एंड ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं इधर उधर घूमने वजह जाऊँ